फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही, और आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ वो हैं जो कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा हुआ था, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही सालों से कई वेरियस एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो उसको हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड देखिए, टीजीटी पीजीटी की डेट्स आउट हो गई हैं, आप लोग तैयारियाँ बिल्कुल करते रहिए। और यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरा चैनल है ये, इस पर मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की और जो साइंस है जिसमें कि मैं टीजीटी की साइंस कवर करती हूँ, तो जितने भी कैंडिडेट्स जो कि एग्ज़ाम्स की बायोलॉजी और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही बेनिफिट है, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे प्रॉपरली। और फ्रेंड देखिए, चैनल से जब आप जुड़ते हैं तो आप रेगुलरली उसको वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें कि आपका एक रिदम बना रहता है। और आपको जब फॉलो करने से क्या होता है, आपका टाइम भी सेव करता होता है, और आपका जो मेहनत है वो किसी एक अच्छे कंटेंट के लिए की जाती है। ओके, और जितने भी क्वेश्चन है मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा कंटेंट होता है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये है वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड बाय अ मैन एज। ओके, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एडेनिन और गुआनिन, और एडेनिन और गुआनिन आप लोग जानते हैं जब हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े थे डीएनए एंड आरएनए, तो उसमें आपको पता है जो एडेनिन गुआनिन होते हैं वो क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। ओके, तो एडेनिन गुआनिन जो प्यूरिन्स होते हैं, तो यही कहा गया है कि जो एडेनिन एंड गुआनिन मेटाबॉलिज्म में जो कि मैन के द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो निकाला जाता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, यूरिक एसिड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन मैमल वुड नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी में केवीएस में एनवीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका करेक्ट आंसर है, जो हिपैटिक वेन होती है उसमें फ्रेंड्स लार्जेस्ट अमाउंट या सबसे अधिक अमाउंट ऑफ यूरिया होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड अडल्ट फ्रॉग। ह्यूमन और अडल्ट फ्रॉग में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कॉमन मिलेगी, तो यहाँ पे है कि जो ह्यूमन है और जो फ्रॉग है दोनों ही यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये क्या होते हैं, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और जो यूरिक एसिड का करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, तो यूरिक एसिड जो है वो चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट है, और इसका एक्सक्रीशन कौन करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है कॉकरोच। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए जो कॉकरोच है वो यूरिक एसिड निकालता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर, तो एक्वाटिक रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसका एक्सक्रीशन करते हैं, तो आपको पता है जो एक्वाटिक रेप्टाइल्स होते हैं वो करते हैं एक्सक्रीशन यूरियोटेलिक होते हैं। ओके, तो वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है सिक्स क्वेश्चन, तो सिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स यानी जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं वो कौन है, तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं हमारे पास लेजर्ड एंड क्रो, लेजर्ड एंड क्रो जो हैं वो यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे जो लिजर्ड है वो रेप्टाइल है और जो क्रो है वो बर्ड है, यानी कि आपको लर्न कर लेना है रेप्टाइल एंड बर्ड जो है वो यूरिकोटेलिक हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेवन क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है फ्रेंड, इसमें जो है आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सिक्स एनिमल्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड ए बी सी दे गिव आउट, तो यहाँ पे देख लीजिए अमोनोटेलिक है, अमोनोटेलिक के अंडर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, पीजन ह्यूमन ए में है, बी है फ्रॉग लिजर्ड एंड सी है एक्वाटिक एम्फीबियंस, देन यहाँ पे जो डी है इसमें है एक्वाटिक एम्फीबियंस। ओके, तो इस तरीके से आपको बी में भी दे रखी हैं और सी में भी दे रखी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेवन के लिए करेक्ट ऑप्शन है जो बिल्कुल सही मैच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं
यहाँ पे हमारे पास जो है जो सेवेंथ है उसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं, ओके एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं, जैसे कि आपका नाउ, अब यहाँ पे इसमें जो अमोनिया, वो अमोनोटेलिक होते हैं, ये क्या करते हैं, अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो बी है वो है यूयोटेलिक, तो फ्रॉग एंड ह्यूमन जो है वो क्या है, वो यूरिया का सिक्रीशन करते हैं। एंड यहाँ पे जो सी है यूरिकोटेलिक है, तो यानी कि पीजन बर्ड है, लिजर्ड रेप्टाइल है, कॉकरोच है, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 आ गया है, द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो आप यहाँ पे बार बार पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो हीमोलिम्फ है वो डिस्चार्ज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। ओके तो यहाँ पे हमारे पास ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन इज़ अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है, बहुत देर तक व्रत रख रहा है, भूखा रह रहा है, किसी कारण से उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वान्टिटीज़ ऑफ, तो उसके यूरिन में किस चीज़ की एबनॉर्मल क्वान्टिटीज़ होंगी, तो यहाँ पे उस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कीटोन आने लगेगा उसके यूरिन में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटेस्टिनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पेरिटिमा हैज़ अ फंक्शन ऑफ, तो नाउ आपको पता है पेरिटिमा पोस्थ्यूमा अर्थवर्म का नेम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटेस्टिनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट का सिक्रीशन करे। ओके तो डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज, जो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है ह्यूमन में वो क्या, वो सिंथेसाइज होता है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो लीवर में सिंथेसाइज होता है लेकिन जो एलिमिनेशन होता है वो किडनी के द्वारा होता है। ओके नाउ ह्यूमन की बात की जा रही है, तो अब यूरिया की बात हो गई है, यूरिया में सिंथेसाइज होता है, ऑर्निथिन साइकिल होती है जिससे कि यूरिया का सिंथेसिस होता है और ये किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और हम लोग हैं यूरियोटेलिक। नेक्स्ट हमारे पास है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, इन द डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग गिवन बिलो, एक देखिए डायग्राम मिलेगा आपको ह्यूमन बीइंग का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, डिफरेंट पार्ट्स हैव बीन इंडिकेटेड बाय द अल्फाबेट्स, चूज द आंसर विच दीज अल्फाबेट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद द पार्ट्स विच दे रिप्रेजेंट, तो जो अल्फाबेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अब जो आपका पार्ट है, ऑर्गन है, उससे करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो यही बताना है। तो ये तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा बुक्स में आप लोगों के है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो यहाँ पे ए है आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, किडनी है, इसके लिए मैं के लिख सकती हूँ कि यहाँ पे किडनी है। नाउ जो बी है आपका, ये क्या होता है, ये एल्टा होती है, तो ये एब्डोमिनल एल्टा होती है। ओके उसके बाद यहाँ पे जो सी है, सी तो बिल्कुल यूरेटर है जो कि ये कैरी करती है। ओके तो ये यूरेटर्स हैं, तो यहाँ पे मैं यू लिख देती हूँ, ये जब यहाँ से फिल्ट्रेट जो आता है यानी कि यूरिया, जब यूरिन जो होता है वो उसको कैरी करती है यहाँ पे, उसके बाद यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो जाता है वो, और फिर उसके बाद मैच्यूरेशन होता है तो निकाल दिया जाता है। नाउ सी यहाँ पे हमारे पास यूरेटर्स हो गए, और जो डी है वो क्या है, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये हम इसको यू बी लिख सकते हैं। एंड ई है हमारे पास यूरिथ्रा, तो यहाँ पे यू है अगेन, और जो एफ है ये क्या होता है, पेल्विस होता है, तो ये रीनल पेल्विस हो गया। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ए है, बिल्कुल करेक्ट। ओके तो ए आप देख सकते हैं, चलिए ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड, अब ऑर्गन दिया हुआ है और उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो जो सही है उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ह्यूमन एंड टीयर ग्लैंड, किडनीज, सीबेसियस ग्लैंड। ओके चलिए यहाँ पे अब बी देख लेते हैं, अर्थवर्म, तो अर्थवर्म में क्या होगा, सेप्टल निफ्रीडिया होती हैं बिल्कुल, और ये जो सेप्टल निफ्रीडिया होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, दो तरीके की होती हैं, फेरेंजियल निफ्रीडिया होती हैं और इंटेगमेंट्री निफ्रीडियाज होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो यहाँ पे अर्थवर्म एंड सेप्टल निफ्रीडिया, ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और फेरेंजियल एंड इंटेगमेंट्री दो टाइप की होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास 14th क्वेश्चन है. 14th में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द ऑर्निथिन साइकिल. ऑर्निथिन साइकिल में कौन सा पेयर ऑफ जो सब्सटेंस है, वेस्ट सब्सटेंस, वो रिमूव होता है. यहाँ पे पेयर दे रखे हुए हैं. तो हमारे पास जो करेक्ट होता है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो रिमूव हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आएगा 15th. तो देख लेते हैं 15th में है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन नेफ्रॉन अकर्स इन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और ये अभी इसके पहले भी जो लेक्चर बनाया है उसमें भी बता चुके हैं फ्रेंड. बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो एक भी लेक्चर को मिस मत करिएगा. सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सारे ही अच्छे हैं. तो चलिए यहाँ पे है, इन विच पार्ट ऑफ किडनी ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन दी. या तो फिर एक तरीके से और पूछा गया है ये क्वेश्चन कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इज 70-80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. तो यहाँ पे हमारे पास जो इन सब के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं पहले वाले को बता रही हूँ. और इसमें देख लीजिए कि ये कहा गया है कि जो यूज़फुल सब्सटेंसेस का रीअब्सॉर्प्शन होता है ब्लड में, ओके, फिर और ये किससे कहा गया है, ये कहा गया है नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट होता है उससे. तो या तो फिर ये कहा गया है कि जो किडनी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड को रीअब्सॉर्ब करता है. तो यहाँ पे देखिए जो PCT होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड को रीअब्सॉर्ब करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th वाला. 16th में है, अ टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो किस लिए एबल होते हैं, किस क्या करने के लिए समर्थ होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो 16th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंजर्व वाटर. ये वाटर को कंजर्व करने के लिए समर्थ होते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारे पास 17th है, द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुलाई इनटू द कैप्सूल. तो वो प्रेशर बताना है जिससे कि जो कि फ्लूइड होता है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के कैप्सूल में आ जाता है. तो ये प्रेशर कितना होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये कितना प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जो प्रेशर वो 20 mmHg का होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रीनल पिरामिड. इसमें से कौन सा रीनल पिरामिड का क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. तो जो रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वो रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं होती हैं. और जो लूप ऑफ हेनले है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ये रीनल पिरामिड का पार्ट है, उसका एक भाग है. नाउ 19th का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन. इसमें से कौन जो है वो जो है लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन को के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है रेनिन. ओके, तो इस और फ्रेंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ANF भी बताया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा. ओके, और ADH के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ है, एंटी डायलिटिक जो हार्मोन होता है जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन कहते हैं, देखिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा है वहाँ पे. नाउ 20 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं. 20 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन. इसमें से कौन सा एक है जो कि ह्यूमन नेफ्रॉन के फंक्शन को करेक्टली बता रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहाँ पे जो 20th है इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला वाला पहले हम लोग रीड करके देख लेते हैं. जो एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द रीनल वेल, बिल्कुल गलत है. मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है, अभी लास्ट ही लेक्चर में एफरेंट और रिफरेंट के बारे में बताया था, जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये क्या करती है, ये कैरी अवे नहीं करती है, ये जो है ब्लड को लेकर के आती है. ओके, वो अंदर की तरफ लाती है कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में लाती है. तो चलिए ये गलत हो चुका है. नाउ जो दूसरा है, पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस और स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द वुमन कैप्सूल. कि जो पोडोसाइट्स होती हैं इनर वॉल में वुमन कैप्सूल की, ये क्या करती हैं, ये माइन्यूट बहुत छोटे से जो है स्पेसेस या स्लिट पोर्स होते हैं इनमें, वो क्रिएट करती हैं और ये ब्लड का फिल्टर करती हैं वुमन कैप्सूल में. बिल्कुल करेक्ट है ये, तो बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स. जो GFR में जो फॉल हो जाता है या फिर जो कमी हो जाती है
ओके तो इस ये क्या इससे क्या एक्टिवेट होता है, ये क्या किसको एक्टिवेट करता है? तो इसका लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को रेनिन को रिलीज़ करने के लिए एक्टिवेट करता है कि वो रेनिन का रिलीज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो ह्यूमन किडनी के लिए एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, देखिए सारे ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सीधे करेक्ट आंसर है वही मैं बता रही हूँ, तो मैं बताऊँगी डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीऑब्जॉर्ब्ड, कि जो 99% तक जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो रीऑब्जॉर्ब हो जाता है, 99% तक का रीऑब्जॉर्ब हो जाता है। ओके तो अब जो है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ओके तो चलिए 22 का डी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास 23। तो 23 में क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट टू रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। इसमें से किडनी फंक्शन के रेगुलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ये बताना है अगेन। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस देखे हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले वाले को कि ड्यूरिंग समर व्हेन द बॉडी लूजेज अ लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ ADH इज सप्रेस्ड। कि जब समर में हमारी बॉडी बहुत सारा वाटर खो देती है, मतलब लॉस हो जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, तो जो ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका जो रिलीज है वो सप्रेस्ड हो जाता है। तो क्या ये करेक्ट नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सेकेंड वाला है व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, जब कोई बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर लेता है, तो जो ADH का रिलीज है वो सप्रेस्ड हो जाता है। तो बिल्कुल जब हमारी बॉडी में वाटर की एक्सेस होती है तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो सप्रेस हो जाता है, उसका रिलीज नहीं होता है, क्योंकि इसका नेम ही आप देख सकते हैं डायूरेसिस क्या होती है, जब बहुत ही ज़्यादा जो है यूरिन पास होता है, तो ये एंटी डायूरेटिक है। ओके जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करते हैं तो जो है जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, आई मीन जब बार बार मेंस्ट्रुएशन होता है। ओके ये सभी ये जो है बिल्कुल फैक्ट है, मतलब सभी के साथ ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली भी लोगों ने फील किया है ऐसा। तो यहाँ पे ये वही है कि जब व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट्स ऑफ वाटर तो जो ADH है वो क्या करता है, इसका रिलीज जो है ADH का रिलीज वो सप्रेस्ड हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 23 के लिए बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 24 है, 24th में है विच ऑफ द फॉलोइंग causes an increase in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule, कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी DCT में, जो कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 24th का करेक्ट ऑप्शन है वो है कि इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, जब एल्डोस्टेरोन लेवल का इंक्रीज होता है तो ऐसा होता है। ओके तो फिर ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, DCT की बात हो रही है तो DCT में बढ़ा देता है। ओके तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, बिकॉज ह्यूमन यूरिन जो होता है वो यूजुअली एसिडिक होता है, ये किस कारण से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 25th के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एक्टिवली सिक्रीट होते हैं फिल्ट्रेट में। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारे पास जो यूरिन होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्टिवली सिक्रीट होते हैं फिल्ट्रेट में, इस कारण से ऐसा होता है। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड, और अगर जो है यूरिन की बात करें तो यूरिन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, यूरिन में 95-96% तक वाटर होता है। ओके और 2% तक क्या होता है, उसमें यूरिया होती है, यूरिन में 2% तक यूरिया होता है। और अगर हम लोग अदर डिजॉल्व सॉलिड्स की बात करें तो 2-3% तक होते हैं, जिसमें कि यूरिक एसिड्स होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से आता है, और क्रिएटिनिन होता है जो कि मसल मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट होता है। क्रिएटिनिन जो
है वो मसल मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जिसमें कि क्लोराइड्स, फॉस्फेट, सल्फेट्स, ऑक्जलेट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में अमोनिया होता है, यूरोबिलिन होती है और हिमाटोपोरफायरिन भी प्रेजेंट होता है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन यूरिन एसिडिक है, बता दिया है अभी। नाउ 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को टोटली रिमूव कर दिया जाए यूरिनरी ब्लैडर से तो क्या होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है कोई भी मिक्चुरेशन नहीं होगा, यानी कि जो यूरिन जाने का जो आपका जो प्रोसेस होता है वो नहीं होगा, कोई भी मिक्चुरेशन नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। 27 स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू मेल फंक्शन ऑफ। अब ये कह रहे हैं जो स्टूल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके, जो व्हाइटिश ग्रे कलर का है, तो फिर किस कारण से ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको पता है कई टाइप के एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिन का भी एग्जामिन करते हैं, स्टूल का भी एग्जामिन करते हैं, ब्लड का भी एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिवर। ओके, लिवर का मेल फंक्शन की वजह से इसके स्टूल का कलर जो जनरली येलो ब्राउन होता है तो उससे वाइट ग्रे हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 28 इफ़ हैनलेस लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन। अगर मेमेलियन नेफ्रॉन में हैनले का लूप नहीं होता तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पे लूप ऑफ हैनले का फंक्शन पूछा जा रहा है। नाउ रिमूवल ऑफ PCT फ्रॉम दी नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, और या तो फिर जब रिमूवल होगा PCT का, अगर रिमूवल कर दें नेफ्रॉन से तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 28 के लिए वो होगा जो यूरिन होगा वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन जो है वो, या कंसनट्रेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो कम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा, कंसनट्रेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 29 है। A person who is starving, that is not having food and is surviving only on the water will have. एक person है जो कि starve कर रहा है और उसमें food, उसके पास food नहीं है और वो survive कर रहा है सिर्फ water पे, क्योंकि तो क्या होगा फिर? अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा 29 के लिए, तो 29 के लिए हमारे पास इसमें जो है less यूरिया होगा, उसके यूरिन में यूरिया कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंजियोटेंसिनोजन इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय। अच्छा है, एंजियोटेंसिनोजन के बारे में पूछा गया है, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये लीवर सेल से जो है प्रोड्यूस होती है और सिक्रीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास 31 है। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, जो ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम में जब डिक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या रिलीज नहीं होगा? तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इस ANF या फिर एंटी नैट्रीयूरेटिक फैक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है मैंने लास्ट लेक्चर में। अभी जो लेक्चर आप लोग जो लास्ट लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग प्लीज़ देखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 32 के लिए है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर ही सीधे बात करते हैं, इनकरेक्ट के बारे में अभी नहीं हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स जिस पैटर्न से अब स्टडी कर रहे हैं वो क्या है कि हम लोग सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे उतने ही टाइम में जस्ट डबल क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसको आप देखिएगा, मैंने एक साथ 38 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको कराए हैं। देन आज अभी भी हमारे जो है अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, तो ये जो है वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका रिवीजन हो, बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली डिस्कशन भी हो जाए, और ऑप्शंस अगर हम लोग स्किप कर रहे हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम सिर्फ राइट ऑप्शन को ले रहे हैं, तो 32 है हमारे पास, 32 का ये जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो डी है। और ये क्या है, जो असेंडिंग लिम्फ है लूप ऑफ हैनले का, वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेंड। ओके, जो लूप ऑफ हैनले का असेंडिंग लिम्फ होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 है। 33 में है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, और मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका बता दिया है कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, वन लाइनर बना करके सीधे क्वेश्चन उसके बाद जो आंसर है वो। अभी देखिए जस्ट यहाँ पे अगर मैं बताऊँगी तो कैसे बताऊँगी, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, तो अब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT। तो इसको आपको इस क्वेश्चन के आगे लिख लेना है तो अब से आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा, या जो भी वे आपको अगर इससे बेटर लगे तो आप उसको चूज करिए, बट हाँ एग्जाम में आप सक्सेस हो जाइए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम वन विद दोस कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास जो जो 34 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको देख लेंगे, पहले हम लोग कॉलम में सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास वन है, कॉलम वन में है ग्लाइकोसूरिया, टू है गाउट, थ्री रीनल कैल्कुलाई एंड फोर है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक साथ कई चीज़ें पता चल रही हैं। कॉलम टू में हमारे पास है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स एंड टू है मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स विद द किडनी, थ्री है इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई एंड फोर है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। तो देखिए यहाँ पे जल्दी से हम लोग मैचिंग कर लेते हैं, जो ग्लाइकोस यूरिया है पूरा, इसको भी मैंने जितनी भी डिजीजेज वगैरह हैं वो सभी बताई हुई हैं लास्ट लेक्चर में, तो देख लीजिएगा यहाँ पे, तो हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो वन है इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, फोर्थ कर लेंगे। इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज जो है यूरिन में जब प्रेजेंट होता है तो जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। नाउ जो गाउट है, गाउट में क्या होगा, जो गाउट है इसमें जो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि पैर के जॉइंट है, हाथ के जॉइंट है, उसमें यूरिक एसिड का डिपॉजिशन होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा ये पेनफुल होता है, चलने में वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है अगर पैरों में हो गया है तो। और जो थ्री है वो क्या है, रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई भी बताया था कि जो किडनी स्टोन होता है इसको रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। तो जो थर्ड है इसके लिए क्या होगा, ये मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स होता है जैसे कि ऑक्सिलेट है, जैसे कैल्शियम ऑक्सिलेट्स वगैरह होते हैं, ऑक्सिलेट्स वो डिपॉजिट हो जाते हैं क्रिस्टल्स उनके किडनी के अंदर और ख़ास करके पेल्विस में, पेल्विस एरिया में होते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, एंड फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या है कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है एंड इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई में, तो जिसको कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। ओके चलिए ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35। तो 35 में क्या है, 35 में हमारे पास है यहाँ पे कॉलम वन है और ये कॉलम टू है और करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो कॉलम वन में फंक्शंस दिए हुए हैं, कॉलम टू में आपको जो पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें पता चल रही हैं, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, टू है कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन एंड थ्री है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एंड फोर है स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कॉलम टू में लूप ऑफ हेनले हैं एंड यहाँ पे टू है यूरेटर, थ्री है यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर है मालपिगियन कॉर्पसल्स एंड फिफ्थ है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 35 और इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा इसको हम लोग देख लेते हैं सारे ऑप्शन में, चलिए मैचिंग करते हैं तो अपने आप हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो निकल जाएंगे। तो देख लीजिए जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, आप सभी लोगों को पता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो मालपिगियन कॉर्पसल में होता है। ओके नाउ अब यहाँ पे जो सेकंड वाला है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो जो लूप ऑफ हेनले है वो यूरिन को कंसंट्रेशन करने का काम करता है। इसके पहले जो क्वेश्चन आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर लूप ऑफ हेनले को हटा दिया जाए तो किस क्या असर होगा, तो असर ये होगा कि जो यूरिन है वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा, कंसनट्रेट नहीं हो पाएगा। नाउ थर्ड हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, तो यूरेटर जो है वो यूरिन का ट्रांसपोर्ट करती है, उसके बाद वो ले जा करके यूरिनरी ब्लैडर में उसको कलेक्ट कर देती है, फिर हमको यूरिन पास करने की जब ज़रूरत होती है, जब मैच्योरेशन जो वो प्रोसेस होता है फिर यूरिन पास होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ पर होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो देख लीजिए 35 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 35 के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी वाला हो जाएगा। ओके सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36 है। 36 में हम लोग क्या करेंगे, दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, अर्थवर्म एंड रैबिट रिस्पेक्टिवली। जब हम लोग यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है कॉकरोच का, अर्थवर्म का और रैबिट का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि कॉकरोच में क्या पाई जाती है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, अर्थवर्म में नेफ्रीडियाज होती हैं, फेरेंजियल और इंटेगोमेंट्री और रैबिट में किडनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 36 के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास टू करेक्ट हो जाएगा।
नाउ 37 को देख लेते हैं। 37 में हमारे पास है मालपीगियन ट्यूब्यूल रिमूव्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम, जो मालपीगियन ट्यूब्यूल है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को किससे रिमूव करती है, तो बिल्कुल यहाँ पे कॉकरोच का ही पूछा गया हुआ है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 37 के लिए वो ए हो जाएगा। और आपको पता है जो हीमोलिम्फ होता है इसमें जो है, अभी हमने पोटेशियम यूरेट के बारे में पढ़ा है कि पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में वहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे हीमोलिम बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38 है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द किडनी ट्यूब्यूल इज कैरीड आउट बाय, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से किडनी ट्यूब्यूल में, उसको कैसे कैरी आउट किया जा सकता है। या तो फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है ट्यूब्यूल्स में वो किस प्रोसेस से होता है, तो जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो होता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रीअब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 39th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सॉल्ट वाटर बैलेंस होता है उसके बारे में पूछा गया है कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट पहला वाला है इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जब वाटर अवेलेबल नहीं होता है कैमल में, तो डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन बट स्टोर्ड यूरिया इन टिश्यू, तो वो यूरिन प्रोड्यूस नहीं करता है और टिश्यू में यूरिया को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पर 39 के लिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि कैमल के रेफरेंस में है। तो यहाँ पर ऊँटों में ये बात होती है। और यहाँ पर जो और आपको फ्रेंड पता है, जो इनका हम्प होता है उसमें किसका स्टोरेज होता है, इसमें जो है फैट का स्टोरेज होता है। और इनमें जो है वाटर बैग्स थैलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कुछ थैलियाँ होती हैं इनकी बॉडी के अंदर स्टोमक में, जो जिसमें कि पानी का स्टोरेज हो जाता है, जिससे कि ऊँट रेगिस्तान में जो है बहुत दिनों तक बिना खाए पिए तक रह सकता है। बिना खाना अगर उसको ना मिले या पानी ना मिले तो वो जीवित रह सकता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 के बाद वो है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, इसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो यूरिन के कंसनट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है करेक्ट जो मैं बताने जा रही हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स इट मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम इन द किडनी। तो देखिए, जो किडनी की इंटरस्टीशियम होती है, ठीक है, मेड्यूला में किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक मेड्यूला होता है, कॉर्टेक्स होता है, ओके। तो जो मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम होती है किडनी में, इसके लिए जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी, यानी ऑस्मोलैरिटी आप जानते हैं, और जो हाइपर है टर्म मतलब ये है कि ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी, ओके। तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम में किडनी में, ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे यही फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। तो बिल्कुल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे सी हमारे पास जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन में क्या है, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस मे रिजल्ट इन, तो जो यहाँ पे हमारे पास 41 है इसमें आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के बारे में कहा गया है, इसके यूज़ के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जो ए है ये है नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन दी बॉडी, फिर बी है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, एंड सी है हमारे पास रिड्यूस्ड अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एंड डी है रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। तो देखिए फ्रेंड, ए और बी वाला तो गलत है, लेकिन यहाँ पे जो सी वाला है कि ये क्या करता है, जो कैल्शियम आयन है, रिड्यूस्ड अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कैल्शियम आयन का अब्सॉर्प्शन को रिड्यूस करता है और क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। तो ये दोनों ही हम यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारे पास सी एंड डी जो है, जो डी वाला ऑप्शन सी एंड डी का बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास अब यहाँ पे आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है अब यहीं पे एंड हो रहा है। और अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, तो देख लीजिए, अभी हम लोगों ने 34 मिनट्स लगभग आधे घंटे में हम लोगों ने 41 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, ओके। और ये बहुत ही अच्छा है, और कि आप लोग इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। सब रिवाइज़ करते रहिएगा, और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका अब मिस नहीं होगा, और आपको ज़रूर उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।